Good morning, students. Welcome to math class. Students, today we will study page number 5, 6, and 7. So, kids, let's start. Our page number 5 is bigger and smaller. So, students, bigger. Bigger means bada. बिगर means बड़ा एंड स्मॉलर means छोटा ओके बिगर means बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स छोटा लुकअ दिस पिक्चर इस चित्र को देखें बी आई डबल जी ई आर बिगर यानी ये जो पेड़ है वो कैसा है बिगर है और ये पेड़ कैसा है स्मॉलर है यानी बी फॉर बिगर एंड एस फॉर स्मॉलर सी सेकेंड पिक्चर स्मॉलर ये जो पिक्चर है रेट ये छोटा है एंड कैट बड़ी है ओके स्टूडेंट्स यानी हमें इस पेज में बिगर एंड स्मॉलर को आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है टिक स्मॉलर ऑब्जेक्ट तो बच्चों स्मॉलर में अभी क्या बचा हमने बताया था अभी आपको छोटा यानी दोबारा देख लेते हैं छोटा ओके अब आपको यहां पर हर बॉक्स में दो दो फिगर दिए हुए हैं दोनों फिगर में जो छोटा फिगर हो उसको टिक करना है देखिए दोनों बॉल हैं ये छोटी है और ये बड़ी है यानी ये बिगर है और ये स्मॉलर है और हमें टिक कौन सा ऑब्जेक्ट पर करना है स्मॉलर पर तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सी है दिस वन तो हम इसको टिक करेंगे ओके बटरफ्लाई एंड पिजन अब दोनों में कौन सा छोटा होता है बटरफ्लाई या पिजन बटरफ्लाई तो यहां पर हम बटरफ्लाई को टिक करेंगे नेक्स्ट फिगर में आपको कैमल एंड कैट दिया है कैमल एंड कैट तो दोनों में कौन सा स्मॉलर होता है कैट ओके सेकंड फिगर में दोनों अम्ब्रेला हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज यहां पर साइज के अनुसार ये वाला छोटा है यानी यह स्मॉलर है तो हम इसको टिक करेंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट गर्ल एंड मैन तो दोनों में छोटा कौन होता है गर्ल या मैन तो दोनों में गर्ल छोटी होती है ओके नेक्स्ट कैरोट एंड वाटरमेलन कैरट एंड वाटरमेलन तो वाटरमेलन बड़ा होता है कैरोट छोटी होती है तो स्मॉलर कौन सा हुआ दोनों में से कैरेट ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इग्लू अब दोनों ही फिगर आपके इग्लू की हैं, ओके यहाँ पर इनका इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है तो हमें किस पर टिक करना है बिगर पर या स्मॉलर पर स्मॉलर पर तो दिस वन स्मॉलर ओके स्टूडेंट्स ये आपका था पेज नंबर फाइव नाउ पेज नंबर सिक्स बिगर ऑफ द सेम साइज स्मॉलर ओके यहां पे तीन पार्ट्स हैं बिगर बिगर सेम साइज एंड स्मॉलर अभी आपने ऊपर बिगर और स्मॉलर दोनों देखे अब सेम साइज का मतलब होता है बिल्कुल उसके समान, यानी किसी दूसरे के समान तो देखिए यहां पर ये जग है अब ये जग इन तीनों में किसके समान है यानी इस जग के जैसा सेम आपका ये है ओके अब इससे स्मॉलर ये है और इससे बड़ा ये है तो नेक्स्ट जो हमको दिया है नीचे पेन नंबर सिक्स पर उसमें आपको यही चीज बतानी है तो आइए देखते हैं कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट टिक द बिगर ऑब्जेक्ट क्रॉस द स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड राइट एस फॉर द सेम साइज ऑब्जेक्ट तो बच्चों यहां पे आपको तीन चीज बतानी है एक लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है ये वाला ये लेफ्ट हैंड साइड में ओके okay? इससे तुलना करनी है आपको कैसे पहले आपको टिक द बिगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यहां जो चित्र है इससे बड़ा इसमें कौन सा है उसको टिक करना है और जो इससे छोटा है उसको क्रॉस करना है और जो बिल्कुल सेम इसी के जैसा है बिल्कुल तो उसको आपको एस लिखना है ओके देखिए सेम साइज़ फाइंड करेंगे सबसे पहले आप बिल्कुल इसी के जैसा देखिए कौन सा है नंबर टू यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एस फोर सेम ओके स्टूडेंट्स अब टिक किस पर करना है बिगर टिक किस पे करेंगे बिगर पे तो ये बिगर है इससे तो यहां पे टिक और दिस वन स्मॉलर यानी ये छोटा है तो इसको आप क्या करेंगे क्रॉस करेंगे ओके स्टूडेंट्स क्या करेंगे क्रॉस करेंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट फिश अब सबसे पहले आप जो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिश दी है इसी के सेम साइज की फिश आपको फाइंड करनी है यहां पर तो सेम साइज क्या है ये है तो यहां पर लिखेंगे हम एस सेम दिस वन बिगर बिगर के लिए क्या करना था आपको टेक एंड स्मॉलर के लिए जो स्मॉलर है उसको क्रॉस करना है ओके नेक्स्ट बटन क्या है बटन अब इस बटन में जो आपका सेम साइज है वो क्या है देखिए ये सेम साइज है बिल्कुल तो इसको लिखेंगे सेम ओके okay? अब जो बचा है उन दोनों में जो बिगर है उसको टिक करेंगे और जो स्मॉलर है उसको क्रॉस करेंगे ओके नेक्स्ट कैप अब इस कैप के एक्यूरेट कौन सी कैप दिखाई दे रही है आपको दिस वन ये वाली तो यहां क्या लिखेंगे एस यानी सेम ओके okay? अब जो बची हैं उसमें आपको बिगर एंड स्मॉलर फाइंड करना है दिस वन बिगर सो यू हैव टू राइट टिक ओके एंड दिस वन स्मॉलर तो यू हैव टू क्रॉस अंडरस्टैंड स्टूडेंट नेक्स्ट थर्मस लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्मस है उसी का सेम साइज फाइंड करना आपको यहां पे देखिए ये सेम है तो इसको आप क्या लिखेंगे एस एस फॉर सेम एंड दिस वन बिगर तो यू हैव टू टिक एंड दिस दिसमर दिस वन स्मॉलर तो यू हैव टू क्रॉस तो बच्चों ये था आपका पेज नंबर सिक्स नाउ पेज नंबर सेवन पेज नंबर सेवन इज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा ओके okay? अब यहाँ पे आपको फोर फिगर दिए हुए कप के इन कप में जो सबसे छोटा है उसको हमें फाइंड करना है और जो सबसे बड़ा है उसको फाइंड करना है यानी पेज नंबर सेवन पे आपको दो ही चीज फाइंड करनी है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा कलर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विथ ब्लू कलर तो स्टूडेंट्स कलर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विथ ब्लू कलर स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा अब यहाँ पे जो आपको फिगर दी हुई है आपको यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है जो जैसी आपको यहाँ फिगर है जैसे बिल्ली यानी कैट चूहा यानी रैट अगर हम वैसे देखें तो बिल्ली बड़ी होती है लेकिन हमें जो यहाँ फिगर दिया हुआ है बुक में हम बुक में जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे अब रैट देखो साइज में बड़ा है और बिल्ली छोटी है यानी कैट स्मॉलेस्ट है तो इसको आप किस कलर में करेंगे ब्लू कलर में किस कलर में ब्लू कलर में तो हम यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं ओके यानी आपको कैट को ब्लू करना है लाइक दिस ओके स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से प्रॉपर वे में ब्लू कलर करेंगे ओके okay? आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है ठीक है लाइक दिस अंडरस्टैंड एंड सेकेंड फिगर लॉइन एंड टाइगर यहां पर जो फिगर दिया हुआ है लॉइन साइज में देखो हम बड़ा है और टाइगर छोटा है तो हमें जो छोटा है जो स्मॉलेस्ट है उसको ही कलर करना है किस कलर में ब्लू कलर में इसको भी आपको ब्लू करना है लाइक दिस ओके लाइन से आपको आउटसाइड नहीं निकालना कलर को तो आप इसको पूरा प्रॉपर वे में फिल करेंगे ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कलर द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट विथ रेड कलर कलर द बिगेस्ट बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा यानी यहां पे यह आपको फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है ओके okay? तो फर्स्ट लाइन में जो सबसे बड़ा है आप उसको रेड कलर करेंगे क्या कौन सा कलर करेंगे रेड तो हम यहां पे रेड कलर ले लेते हैं तो सबसे बड़ी ये मछली कौन सी दिखती है आपको बेटा देशवान तो आप इस फिश को रेड करेंगे लाइक दिस स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही करना है और लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी बिल्कुल भी जो आउटलाइन है उसके इन ही आपको कलर फिल करना है प्रॉपर वे में ओके okay? आप पूरा भरेंगे नेक्स्ट फ्लावर्स हैं अब जो सबसे बड़ा फ्लावर है कौन सा है दिस वन तो आप इसको प्रॉपर वे में कलर में करेंगे लाइक like दिस आउटलाइन से आपका कलर बाहर नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स ओके okay? तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पेज नंबर फाइव सिक्स सेवन यू हैव टू कलर लाइक दिस यानी जितना भी हमने आपको तीनों पेज में करा है बिल्कुल सेम एज इट इज आपको बुक में फिल करना है ओके okay?